ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के 18 जुलाई की श्रीवता में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उनको हम याद रखें और सही समय पर इस्तेमाल करें। और अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो बाकी सारी शक्तियाँ भी कम हो जाएंगी। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। परमात्मा कहते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जब हम नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज की शक्तियों को, आत्मा की शक्तियों को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो शक्तियाँ और बढ़ती जाती हैं। आप जितना टॉलरेंस को यूज़ करेंगे उतनी आपके अंदर टॉलरेंस बढ़ेगी, जितना आपके अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ेगी उतना आप सामना और चीज़ों को कर पाएंगे, जितना आप निर्णय शक्ति को यूज़ करेंगे उतना आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे, जितना आप जजमेंट करने की शक्ति कि सही क्या है गलत क्या है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसको इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी जजमेंट शक्ति बढ़ेगी। जितना आप औरों के साथ में अकोमोडेट करेंगे अपने आप को कि आप सबके साथ में मिलनसार बन करके, वैसे ही आपके अंदर अकोमोडेशन की, एडजस्टमेंट की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, कोऑपरेशन की भी शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति, जो कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं रखते, घृणा नहीं रखते तो आप उसके साथ कोऑपरेट कर पाओगे, लेकिन किसी के साथ में अगर ईर्ष्या है घृणा है या आप किसी से नफरत करते हो तो आप बोलते हो मैं क्यों उसको हेल्प करूँ, मैं क्यों उसको मदद करूँ, यहाँ पर फिर आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो देखें परमात्मा कहते हैं, जो बच्चे सर्व शक्तियों से सेवा से सदा संपन्न हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। सिंपल बात, कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। अगर आपको किसी से ईर्ष्या है, नफरत करना है और आपने उसको कोऑपरेट नहीं किया उसके साथ में, तो आपके अंदर कोऑपरेशन की, सहयोग करने की शक्ति गायब हो गई, आपके अंदर सहन करने की शक्ति भी नहीं हुई। इसका मतलब आपके अंदर जो उत्तेजना हो रही है, घृणा नफरत ईर्ष्या हो रही है, उसका भी आप सामना नहीं कर पा रहे हो, आप अंदर से वो भी शक्ति गायब हो गई आपके अंदर। आप जज नहीं कर पाए कि आपको क्या करना चाहिए था, आपकी ईर्ष्या घृणा ने ओवरटेक कर लिया, आपको कोऑपरेट करना चाहिए था लेकिन आपकी ईर्ष्या घृणा ने आपको रोक दिया। तो आपके अंदर जजमेंट शक्ति भी, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति भी खत्म होगी। तो एक शक्ति कम होने से सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और आप शक्तिहीन हो जाते हो, फिर आप मूड स्विंग में जाते हो। तो देखें परमात्मा कहते हैं आगे क्या, ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है। हमने देख लिया क्या होता है हर्जा, एक में भी हर्जा है, एक ही फेल कर देगी, इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। समय पर वो शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, यानी कि टॉयलेट करना चाहिए था लेकिन आपने कुछ कह दिया, गलत रिप्लाई कर दिया, आपने जवाब दे दिया, उसके बाद में फिर आप 10 मिनट बाद सोच रहे हो बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बुरा किया, परमात्मा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस अगर बढ़ानी है तो 7 डेज का कोर्स करिए और शक्ति के बारे में जानिए और मेडिटेशन को बढ़ाइए। इसके साथ ओम शांति।